ये जो टॉपिक है इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूएसए का संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऑल थ्री ब्रांचेस आर नॉट पावरफुल देन अदर्स। देर इज अ बैलेंस ऑफ पावर इन ऑल थ्री ब्रांचेस। द लेजिस्लेटिव ब्रांच मेक्स लॉज, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एग्जीक्यूट दोज लॉज एंड जुडिशरी ब्रांच इंटरप्रेटेड इन लॉ। ऐसा इसमें कहा गया है कि सभी पावरों जो पावर हैं तीनों की, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की, तीनों बैलेंस्ड हैं। लेकिन देखा जाए तो ये जो जुडिशरी है यूएसए की वो काफ़ी वीक मानी गई है लेजिस्लेचिव और एग्जीक्यूटिव के पावर से, पावर के से कंपैरिजन में। कैसे आगे पढ़ेंगे। लेजिस्लेचिव ब्रांच क्या कहता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 100 यूएस सेनेटर एंड 435 रिप्रेजेंटेटिव्स, दे टुगेदर नोन एज यूएस कांग्रेस। ठीक है। मेकिंग लॉ इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचिव ब्रांच, पासिंग द नेशनल बजट, डिक्लेयरिंग वार। ठीक है, ये भी करता है लेजिस्लेचिव ब्रांच। ईच स्टेट हैव टू सेनेटर्स एंड सम रिप्रेजेंटेटिव्स। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स चूजन फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज द इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक, हाउस के मेंबर द्वारा स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। स्पीकर इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आल्सो डील विथ टैक्सेशन रेवेन्यू। इफ प्रेजिडेंट वीटो अ बिल, देन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैन रिसबमिट द बिल थ्रू 2/3 मेजॉरिटी बाई बोथ हाउसेज। द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैन इम्पीच द गवर्नमेंट ऑफिसर। दस हाउस प्ले अ मेजर रोल इन द गवर्नमेंट जॉब जनरेशन। दूसरा, सेनेटर्स के बारे में देखो। ऑल दी स्टेट आर रिप्रेजेंटेड बाय टू सेनेटर्स। द मेंबर सर्व टर्म ऑफ 6 ईयर, 6 साल के लिए होते हैं दो सेनेटर्स। द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ यूएस प्रिसाइड ओवर द सीनेट। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ सीनेट इज टू लुक द डिसीजन ऑफ प्रेजिडेंट हैज मेड बिसाइड दे एग्री विद द प्रेजिडेंट। द सीनेट इज द कोर्ट वेयर इम्पीचमेंट गोज ट्रायल। द सीनेट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। अ सीनेटर वोटर्स वेदर और नॉट, सीनेटर्स वोट्स वेदर और नॉट टू कन्फर्म द प्रेजिडेंट इन जुडिशियल नॉमिनीज। ठीक है। बल्कि यूनाइटेड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट हैव सच राइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जुडिशियल नॉमिनीज में सेनेटर्स इंटरफेयर करते हैं प्रेसिडेंट के डिसीजन में, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसा नहीं कर सकता। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैन इंट्रोड्यूस बिल्स दैट राइज रेवेन्यू लाइक टैक्स बिल ईटीसी। सेनेटर्स आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डूइंग सो। दे आर परमिटेड टू इंट्रोड्यूस अदर टाइप्स ऑफ बिल। मतलब कि रेवेन्यू बिल, टैक्स बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये सेनेटर नहीं कर सकते। ठीक है, हाउस ऑफ सीनेट मतलब नहीं कर सकता। तीसरा ये है, द इलेक्टोरल कॉलेज इज अनेबल टू प्रोवाइड अ डिसीजन। इफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज अनेबल टू प्रोवाइड अ डिसीजन देन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैन इलेक्ट अ प्रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन सीनेट उसमें हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है। सीनेट्स आर अपॉइंटेड फ्रॉम टर्म्स ऑफ 6 ईयर, 6 साल के लिए सीनेट्स अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें से 1/3 हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं। अगला ब्रांच है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है। द मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ ऑफ यूएस मिलिट्री विल एडवाइज और कंसेंट ऑफ सीनेट। अपॉइंट द सिविल ऑफिसर्स एंड एग्जीक्यूट ऑल लॉ पास बाय द कांग्रेस। ठीक है। द प्रेसिडेंट पावर्स कैन बी चेक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस। द प्रेजिडेंट कैन वीटो एनी बिल ऑफ कांग्रेस, बट कांग्रेस हैज़ पावर टू ओवर राइड द वीटोज ऑफ प्रेजिडेंट बाई वोटिंग 2/3 मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस। द प्रेजिडेंट अपॉइंट सिविल ऑफिसर जजेस ओनली बाई द अप्रूवल ऑफ सीनेट। द प्रेजिडेंट इज अ चीफ ऑफ यूएस मिलिट्री बट द फैसिलिटेट लाइक मिलिट्री बट द फैसिलिटीज लाइक फाइनेंसिंग एंड द अदर्स आर प्रोवाइडेड बाई द कांग्रेस। प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। दी अमेरिकन पार्लियामेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड जुडिशरी सो वीक। जुडिशरी क्यों वीक है, देखो सबसे पहला रीज़न है जुडिशरी के वीक होने का कि कांग्रेस
वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीच कर सकती है, कांग्रेस कोर्ट का सिस्टम चेंज कर सकती है, ज्यूरिडिक्शन चेंज कर सकती है, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड कर सकती है। ठीक, तीन, ये इसी वजह से कांग्रेस का इंटरफेरेंस जुडिशरी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको वीक बोला गया है। ठीक, लेकिन ये जो यूएसए की जुडिशरी है वो तीन टाइप की, तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज है, पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दूसरा फेडरल, तीसरा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील को हियर करता है, किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस मैटर्स को डील करता है जो कांग्रेस प्रोवाइड करता है, फेडरल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड मैटर्स और ट्रीटीज पर डील करता है, और सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है, ये अपील को हियर करता है और इसका और हाई और अपील को हियर करता है। सुप्रीम कोर्ट जो रहता है वहाँ के किसी बिल को लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है, और ऐसा काम प्रेसिडेंट भी कर सकता है। ठीक है, देर आर 9 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA हु आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ टाइम, मतलब आजीवन के लिए वो अपॉइंट किए जाते हैं, आप जब छोड़ना चाहें तभी छोड़ें, ऐसा नहीं है कि आप 60-62 साल में रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम इंफीरियर कोर्ट्स को कांग्रेस इस्टेब्लिश करती है टाइम टू टाइम जब वो फिट समझती हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरफेरेंस है और इंफीरियर कोर्ट्स को भी इस्टेब्लिश करती हैं।